गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख सकते हो मैं फिर से नई लोकेशन पर खड़ा हूँ। ये नोएडा सेक्टर 40 है जहाँ पर ये एलिवेटर रोड बनना है। सो गाइस जैसे आप देख सकते हो सेक्टर 40 से एलिवेटर रोड की शुरुआत हो रही है और उसको 82 में लैंड किया जाएगा। अब इसके बीच में कई पॉइंट ऐसे हैं जो जोड़े जाएंगे, जैसे कि बरौला टी पॉइंट हो गया और सलालपुर हो गया, बंगेल हो गया, फिर सेक्टर 82 में से लैंड किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रेटर नोएडा जाने वाले या अन्य जगह पर जाने वाले लोग इस एलिवेटर रोड को पकड़ के जा सकते हैं। पहले नीचे यहाँ ट्रैफिक था और अभी भी रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ रोड कितना ख़राब है, कितनी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ निकलने में भी, तो पूरा रोड टूटा हुआ पड़ा है। तो गाइस आप देख सकते हो बरौला टी पॉइंट आ चुका है और मैं अभी यू टर्न लेकर आया हूँ, तो हम आपको दिखाते हैं अभी सलालपुर बंगेल का और ब्यास जी का एरिया।
गाइस आप जैसे देख सकते हो यहाँ इतना सारा ट्रैफिक लगा हुआ है और मैं अभी भंगेल में आ चुका हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी रोड काफी खराब है जो कि धचकी वगैरह बहुत ज्यादा लग रहे हैं। और फिर अंडरग्राउंड वाटर के लिए है और मैं अभी प्लर नंबर 128-129 के बीच में खड़ा हुआ हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइस ये आ गए हम ब्यासी में और यहाँ का रोड थोड़ा ठीक है। अब आगे लैंडिंग पॉइंट आपको दिखाते हैं एक बार। और आप भी कभी आइए फ्लाईओवर पर घूमिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए ब्लॉग के साथ और हम नई वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंचाएंगे। करना चाहती ग्राइंड मैं भी बैठा मस्ती।